भाई मल्ला फजल करम से आजकल करते हैं यहाँ से शुरू। तो आज बेहतरीन ट्रिप पर आए हैं और दोस्तों के हमरा और आप लोगों को बाकी तफसीलन आगे बता देते हैं। और अभी तक हमने स्टॉप नहीं किया है तो स्टॉप करते हैं और स्टॉप के बाद आप लोगों को सब कुछ और बताएंगे और बतदरीज दर्जा बदरजा यानी इब्तिदा से एंड तक बताएंगे। और तो बहुत ही अच्छे जगह पर आए हैं, देखें साथी बहुत ही खुश हैं यहाँ पे उधर बैठे हुए हैं और ये इस तरफ हमारे और सामान जितने भी हैं वो अभी तक इस और पिकअप के अंदर हैं। जब इसको हम उतारेंगे इसको अपनी जगह बनाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है फिर आगे आप लोगों को ये इसके बारे में मैं बता दूंगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है और इस तरफ आप लोग देखें। तो खैर आगे इंशाल्लाह के और जाके बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम अपने सामान उतारते हैं और अपने स्टॉप वगैरह क्लियर करके फिर हम आप लोगों के साथ आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल ही मतलब यहाँ पे हम लोग पहले आए थे तो अभी ये देखें आप लोग गाड़ी को भगवान से उस तरफ ऊपर लेके जाएंगे वहाँ पे हमारा जो कि और रेस्ट और जगह है जहाँ पे हम रात को सोएंगे। और इस तरफ आप लोगों को दिखाएंगे कि इस तरफ हमारा खाना पीने का और निज़ाम होगा। और आप लोगों ने देखा कि गुंबद हमने सीधे किया और ये जगह बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जगह है
और यहाँ पे पिक भी शूट करेंगे, वीडियोस भी अच्छा अच्छा शूट करेंगे, या मतलब यहाँ का बैकग्राउंड और बहुत ही अच्छा है। तो पहले यहाँ पे गाड़ी था लेकिन अभी उस तरफ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वो मेरे ख्याल में जहाँ तक वो उसको गाड़ी को फंसाया, गाड़ी फंस गया है मेरे ख्याल में जहाँ तक। ये टायर देखिए आप लोग आधा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि गाड़ी फंस गया। चलो उसकी तरफ अभी जाते हैं। तो फिलहाल हमारा जो कि स्टॉप ऊपर है, तो इस वक्त हम नीचे आए हैं और यहाँ पे हम रोटी पकाएंगे, और रोटी पकाने में हम लोगों का पहली दफ़ा है, बाकी सब चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं और बाकी, लेकिन रोटी पकाने में हम लोग सुस्त हैं, तो इस सुस्ती को निकालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो हम यहाँ पे रोटी पकाएंगे और आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि हम कैसे रोटी, हमने कैसे रोटी पकाया है, हम कैसे रोटी पका सकते हैं, वो सब आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। और बाकी लोग जितने भी खाने वगैरह किए करते हैं, ये आप लोगों की थोड़ा बहुत तो गर्दन वगैरह उनकी नज़र आ रही है उस तरफ है, और हम लोग ये हाफिज़ मुल्ला समेत यहाँ पर आए हैं, ये इस तरफ हमारी चीज़ें रखी हुई है, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएँगे कि हम कैसे ये इसको करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हम इसको ठीक तरीके से कर पाए, गैस तो शायद होगा, तो रात को अच्छे तरीके से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के फजल कलम से आज का लोग करते हैं यहाँ से शुरू। तो आज हम इस वक्त और एक अच्छे व्यू में हैं जो कि पाटना जल और इस नाम से मशहूर है, जाना जाता है, और ये बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पे लोग और ज़्यादातर आते रहते हैं। तो उसके मतलब बहुत अच्छे जगह हैं इसमें, और पानी की थोड़ा बहुत किल्लत तो है बनिस्बत तो पहले जो जल वगैरह हमारे पास होते हैं जैसे और मशहूर होते हैं मशहूर हैं और आपको बताता चलूँ वो मैं भूल गया, पोराली और बाकी बहुत से मतलब जगह हैं और उसके बनिस्बत यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन बाकी यहाँ का मतलब जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू है और दरख्ते हैं, लेकिन वैसे मतलब बहुत ही अच्छा भी हमारा बलूचिस्तान वैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस जगह की भी कोई खूबसूरती में कमी नहीं है, मतलब ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ और जूम करके कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ और कुछ जब और नीचे उतरा तो फिर आप लोगों को नीचे वाले भी इससे मैं दिखा दूँगा। उस तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है पानी है और इस तरफ ये देखें कितना ही खूबसूरत है। और अभी हम सुबह सवेरे उठ गए हैं चाय पीने के बाद, हम यहाँ थोड़ा ये चक्कर लगाने के लिए, तो फिर इसके बाद अभी हम वापस दोबारा जाएंगे तो खाना वगैरह करेंगे और बाकी साथी कुछ उस तरफ बैठे हुए हैं। देखें पता नहीं क्या मायने कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में लगता है बात कर रहे हैं, क्योंकि उस तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसी अंदाज़ हो रहा है किसी चीज़ के बारे में बात होने जा रहा है। तो खैर अभी मैं आगे जाके आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा और आज का व्लॉग में आज का जितने भी हम काम करेंगे या जो भी करेंगे तो फिर आज का व्लॉग में आप सब लोगों को वही चीज़ ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। जगह से हम नीचे उतर गए और इस पॉइंट पर आ गए जहाँ पे मैंने आप लोगों को जूम करके शायद थोड़ा बहुत दिखाया जहाँ पे मतलब पानी वगैरह है। तो मैं इस तरफ से आया और यहाँ पर आप लोग देखें मतलब यहाँ का बहुत ही अच्छा मुझे इंतहाई पसंद आया, देखें बहुत ही अच्छा व्यू है, बंदा ज़्यादा लुत्फानंदोज हो सकता है और बहुत ही मज़ा यहाँ पर आता है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये पसंद आएगी ज़रूर। तो आगे चलने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें, हम आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। पानी में मछली है लेकिन ये छोटे हैं और बाकी जो पौराली का मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया या बाकी जितने भी और इस तरह के पॉइंट्स हैं तो उधर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे कम है, इसलिए कम है आप लोगों को मैंने बताया कि पानी का थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पे है ये भी छोटी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मछली के अगर शिकार करें फिशेज उसका दिल चाहे तो वो ज़्यादातर उन्हीं पॉइंटों की तरफ रुख करते हैं और क्योंकि वहाँ पर मछली ज़्यादा होता है। तो हमने छोटा सा टाइम मुख्तसर किया अपने लिए तो इसी वजह से हम वहाँ पर नहीं जा सका, अगर टाइम होता तो हम शायद उस तरह के एक प्रोग्राम बनाते मछली का, एक शायद बनाएंगे इंशाल्लाह टाइम मिले। सर देखें अफ़ान भाई वहाँ से आ रहा है हमारे पास, उधर गया अभी आ रहा है, तो देखें परेशान हो गया क्योंकि पता नहीं आने की जगह नहीं है, क्या हो गया उसको, क्या हो गया अफ़ान आ जाओ। अच्छा आना या मैं वहाँ आ जाऊँ, आप आते हो या मैं आ जाऊँ। अच्छा ये देखते हैं कि क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये ठीक,
जंप लगाया भाई, ये मुल्ला उसकी तरफ जा रहा है, ऐसा ना हो कि मुल्ला कहीं गिर जाए। स्टॉप है जिस पे हम सोबत थे और उससे हमने वापसी पर आ गया है और इस किसी और मकाम पर, और जिसका मैंने तारीफ़ आप तुम के साथ अभी तक तो किया ही नहीं है, तारीफ़ आगे करते हैं। लेकिन बाकी साथी कुछ इस तरफ खाना खाने के बाद बैठे हुए हैं, पत्ता खेल रहे हैं, और कुछ इस तरफ बैठे हुए हैं और वैसे पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं अपने हिसाब से। और ये भी बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है और अच्छा ही जगह है, तो अभी उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है और आगे चल के और आगे बात करेंगे। तो हमने स्टॉप से कुछ इस तरफ आए हैं राउंड लगाने के लिए, पानी को देखा और राउंड लगाया। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ का भी स्टॉप आज बदल कर रात के लिए कहीं और जगह स्टॉप करें, और हम कह रहे हैं नहीं। और तो फिलहाल देखते हैं, बाकी दोस्तों को हमने ऊपर छोड़ दिया। कुछ दोस्त उस तरफ हैं, पिक शूट कर रहे हैं, कुछ वसूल कर रहे हैं, और हम और मैं इधर अकेला आया यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए। थोड़ा नीचे अभी उसकी तरफ जाएंगे। ये देखें मतलब बहुत ही, ये जगह भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। और इस तरफ बाकी लोग हैं जो पिक शूट कर रहे हैं, कुछ साथी उधर नहीं है जो ऊपर हैं। ये देखें बाकी लोग अपने हिसाब से पिक वगैरह शूट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ उधर, और बाकी का और जहाँ पे भी हमारा रेस्ट हुआ तो आप लोगों को वो ज़रूर दिखाएंगे कि हम कहाँ रेस्ट करते हैं। अगर इसी जगह पर हो गया तो वैसे भी हमारा स्टॉप है। आज हमारा इरादा है कि हमारे पास एक बकरी बच गया है जिसको हमें सज्जी करना है। वैसे कल हमें यहाँ से वापस घर जाना है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, जो कि हमारा स्टॉप है वो यहाँ से कुछ ही फासले पर आ गए हैं, और बाकी साथी जा रहे हैं। मैं सबके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो बहुत ही क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छा जगह पर हम लोग आए हैं चक्कर लगाने के लिए। बहुत ही अच्छा जगह है, इसका कोई तारीफ़ मैं आप लोगों के साथ नहीं करता हूँ, क्योंकि एक जगह मेरी तारीफ़ की कोई मोहताज नहीं है। और इस जगह का नाम मेरे ख़्याल में है
जानी, और मतलब यहाँ पे कुछ मशहूर नाम है जानी के चढ़ाई, वो कुछ यहाँ से आगे हैं। और तो ये इस मतलब वही जल है और जिसमें हम अभी तक हैं, और बाकी लोग आगे जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, और अभी जाएंगे साथियों का मशवरे लेंगे क्या कहना चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पे रहें या हम यहाँ से आगे चले। वो कह रहे थे कि आप लोग थोड़ा जल्दी आना, लेकिन गलती से हम लोग लेट तो किए हैं, तो अभी जाना होगा। बाकी देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ऊपर से मैन आर सी रोड रोड है, इसका जो एक निशान लगा हुआ है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बाकी अभी तक गाड़ी वगैरह नहीं आ रहे, तो मैं नीचे रोड ऊपर है, आप लोगों को समझ में शायद नहीं आ जाए, लेकिन जो आपको इस जगह को देखा है तो उसको मालूम है यहाँ से रोड बहुत ही करीब है। अभी कोई गाड़ी वगैरह गुजरे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, अभी तक कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुजर गया, ये देखें। तो ये रोड है और ये दरख्त है। मुझे इस जगह बहुत ही अच्छा लगता है फ्लोडिंग करने के लिए। काश अगर हमारे पास ड्रोन होता, हाँ तो आप लोग इसकी वीडियो वगैरह देखते हैं, लेकिन कैमरा की नज़र से शायद जगह इतना नज़र भी ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन जितना वैसे हमें अच्छा लग रहा है या अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो ये देखें, मैं नीचे था, आप लोगों को बताया दरख्त वगैरह है, तो इस तरफ आ गया, आप लोगों को अभी दरख्त दिखा रहा हूँ। मतलब मुझे इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हर टाइम मैं वीडियो बनाऊँ, बात करते रहूँ उसके बारे में, मुझे इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जगह। आप लोग कहेंगे कि यार तुम ये कह रहे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है कोई चीज़, कोई शख्स उसको तारीफ करता है, वैसे कोई भी किसी को नहीं करता है। जैसे हमारा चैनल किसी को अच्छा नहीं लगता है जो उसको वायरल नहीं करता है। हमने एक बहुत ही ऊंची जगह पर आए हैं, जिसकी वजह से हमारे दम और सांस घुट रहे हैं, तो मुश्किल लग रहा है सांस निकालना। इसी वजह से हमारा सांस बहुत ज़्यादा घुट रहा है, जो कि हम यहाँ पे लकड़ी जमा करने के लिए आए हैं और सज्जी के। पत्थर मतलब यहाँ से उस तरफ मुकम्मल सुराख है इसका, मतलब खुला हुआ रास्ता। ये देखें माशाल्लाह, खोदा पार निकला चूहा, ये देखे आ रहा है। ये देखे हाफिज की शरारती को। हाफिज कब से आप शरारती करना सीखा है? बस जब बचपन से ही मदरसे पे गए। मदरसे में क्या आप शरारती सिखाते? क्या सिखाते? नहीं बस खुद सीखते हैं। शैतान बोलता है? हाँ। अच्छा वैसे नहीं करते? शैतान तो हाफिजों का दुश्मन है। क्यों? उन लोगों को गुमराह करते है। शर्म करो यार, इधर तो शैतान नहीं है ना। शैतान ना, अगर नहीं होता तो मैं इसके अंदर से नहीं है। नहीं, शैतान आपके किधर है? शैतान चौक में। हाँ इधर पीछे। अच्छा पत्थर बहुत जगह है माशाल्लाह। अच्छा और क्या कहेंगे पिकनिक के बारे में? पिकनिक के बारे में क्या कहेंगे, आगे है माशाल्लाह, कुदरत अल्लाह की कुदरत में पानी भी, ये सारा चीज इतना चम्मा होले, हमको इतना अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। आपने कब से उर्दू सीखा है? हम उर्दू नहीं आते, बस एक साल से मदरसे में गया, बस सीखा थोड़ा। अच्छा मदरसे में क्या पढ़ते हो? मदरसे में किताब पढ़ते हैं। हमने इधर पिकनिक पे आए आपसे इंटरव्यू करने के लिए। बस आपका मर्जी, इंटरव्यू करे या पिकनिक के बारे में जो बोले बोले। मैं क्या बोलूंगा आपसे, पूछा कैसा रहा पिकनिक, सज्जी के बारे में आप क्या कहेंगे आज का? बिल्कुल ऐसा था ना बस। नहीं आज के जो अभी हो रहा है, आज का अभी जो उस्ताद उसका सर में थोड़ा दर्द है, पता नहीं कैसे पहले से अभी नहीं कर रहा, जब खत्म हुआ तो कहेंगे कैसे हो गया। अच्छा आ जाओ उधर, क्या है या आपको उधर सोना है? नहीं सोने के लिए देख लिया। अच्छा उस्ताद एहसान के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे बस उसके बारे में थोड़ा बात तो मारता है। अच्छा वो मारता है, आप उससे डरते हो? अच्छा और बताओ पिकनिक के बारे में, हमारे चैनल के बारे में। हमारे चैनल सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब करने कहेंगे क्या? सब सब्सक्राइब करें। अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आता है क्या? इंग्लिश नहीं पढ़ा है। आप वो उस्ताद के साथ क्या है? उस्ताद कुल्हाड़ी दे, क्या करे लकड़ी, आवाज सवार को कुल्हाड़ी दे। ये देखिए भाई, ये रहा हमारा हाफिज। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। तो अब अभी उठ गए हैं और इस जगह पे हम पहुँच गए हैं बाकी दोस्त, और यहाँ से हम जो कल थे इस जगह से हम गए हैं सोने के लिए ऊपर, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। रेस्ट हाउस है वहाँ पे सोने के लिए, सिर्फ यहाँ से बाइक ही दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। तो हम लोग यहाँ पे आए मुंह धोने के लिए, तो हम यहाँ पे मुंह धो के फिर उधर जाएंगे। और तो फिलहाल मैं और मुल्ला आए हैं इधर, मुल्ला को देखो पता नहीं क्या कर रहा है उधर, और मुंह धोने के लिए, और फिर यहाँ से हम मुंह वगैरह धोएंगे फिर जाएंगे। रात वाला स्टॉप पहले हमने खाना वगैरह खाया वो ये जगह थी, और उस तरफ उधर हमारा सज्जी बन रहा था, तो मेरा गला भी पता नहीं किस पोजीशन में उठ गए, तो मेरा आवाज़ ही कुछ मेरे ख्याल में चेंज ही लगेगा। तो फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे हाथ मुंह धोने के लिए, यहाँ पे हाथ मुंह धो के फिर हम दोबारा उधर चले जाते हैं। पता है मुंह कैसा है, मैंने अभी तक तो मुंह धोया ही नहीं है, उससे पहले व्लॉग ने स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं है ठीक होगा। है और बालों को थोड़ा बहुत पानी लगाए, और कंघी मेरे पास नहीं था तो हाथ में इस तरह इसको किया है। हाँ, तो शायद थोड़ा उस नीचे और ऊपर होंगे आप लोगों को पता नहीं, और मज़्डा की ठूल की तरह नज़र आ रहे हैं क्या। और थोड़ा बहुत हमने इसको किया लेकिन काफ़ी मेरा गला ख़राब हुआ है, और गला इस वजह से ख़राब हुआ है ज़्यादातर यहाँ पर शोर करते हैं, पता नहीं आवाज़ लगाते हैं क्या करते हैं, इसी वजह से कोई भी और वजह होता है। तो खैर हमने और जुमेरात के सेकंड टाइम पर यहाँ पे आया, और तो कल जुमातुल मुबारक को हमने मुकम्मल यहाँ पे हुआ, तो आज हफ्ते का दिन है, तो आज हम सुबह जाएंगे। और तो फिलहाल सुबह से मकसद अभी हम चाय वगैरह पी लिया तो हम दोबारा वापस हो जाएंगे। और तो इतने दिनों में हमने मतलब बहुत ही चक्कर लगाया, बहुत ही चिल किया, और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मज़ा भी आ गया। तो फिलहाल बाकी बातें बाद में करना है, और मैं वीडियो बनाने में हो जाता हूँ, मुल्ला मुझसे पहले चले जाते हैं, ये देखें उसको।